क्या नाम है आपका? विशाल यादव। आप कहाँ पर थे और क्या पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर? क्या स्थितियाँ रहीं जब आप आए वहाँ से? हम लोग श्रीनिवासी शहर में थे, BSMU कॉलेज मेडिसिन की स्टडी कर रहे थे। एंड मतलब इनिशियली स्टेबल थी कंडीशंस वहाँ पे, बट धीरे धीरे सिचुएशन खराब हो रही थी। तो कैसे वहाँ से निकले, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कैसे आए? हमें इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट एक रात को मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा था एक एयर अटैक हो सकता है, इसलिए ब्लैकआउट हो गया था। तो अगली सुबह ही हम लोगों को इवैक्यूएशन के लिए बसें अरेंज कर दी गई थी हॉस्टल की तरफ से, हम लोग कॉलेज की तरफ से। हम लोग वहाँ से बॉर्डर पे गए, एंड बॉर्डर पे करीब हम लोग 14 घंटे रुके थे। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे, बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या व्यवस्थाएं रहीं आपकी? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ, एंड उसके बाद हमें एक शेल्टर में लेके गए। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, बट वहाँ से हम लोग बस एक और बस अरेंज किया उन्होंने, उस बस से हम लोग दूसरे शेल्टर में गए। ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे आप इसे? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया में थोड़ा सस्ता करवा दीजिए मेडिकल, क्योंकि इसके लिए प्राइवेट में काफी ज्यादा महंगा होता है। एंड थैंक यू हमें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए, प्लस काफी ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट थे और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। एंड वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे थे, उनको भी थैंक यू, रोमानिया एंड यूक्रेन दोनों के।